हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2301 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5:7। इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। 7 से लेकर 19 तक के पदों में याकूब अपनी पत्री की परिसमाप्ति करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह विश्वासियों को बुलाने के लिए जो भाइयों करके शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, यूनानी भाषा के अडल्फोई शब्द का अनुवाद है, जिसका एक शाब्दिक अर्थ एक ही माता पिता से उत्पन्न भाई लोग है। जैसे कि मैंने पूर्व में कई बार बताया था, पुराना नियम की परिप्रेक्ष्य में यहूदियों के बीच में एक दूसरे को संबोधित करने के लिए उपयोग किए गए इब्रानी आओग का यूनानी अनुवाद का याकूब यहाँ उपयोग किया है। आओग शब्द का अर्थ इब्रानी में भाई लोग अथवा ब्रदरन है, परंतु इब्रानी में इसका अर्थ यूनानी की तुलना में थोड़ा सा और विशाल है। इब्रानी में ये शब्द एक ही माता पिता से उत्पन्न भाइयों के साथ साथ चचेरे भाई लोग तथा वाचा से जुटे भाइयों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। निम्न यहूदी परिप्रेक्ष्य से याकूब यहाँ मसीही विश्वासियों को भाइयों करके संबोधित कर रहा है। शाब्दिक रूप में अथवा लिटरली लेंगे तो यद्यपि ये शब्द भाइयों को ही अथवा पुरुषों को ही क्यों न सूचित करता हो, यहूदी इस शब्द को पूरी मंडली को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में ही नया नियम के अन्य पत्रियों में भी भाइयों शब्द को यूनानी में अडल्फोई करके और अंग्रेजी में ब्रदरन करके सूचित करते हुए आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति तर्क करना चाहता है वो शायद अडल्फोई का शाब्दिक अर्थ को लेते हुए ये दावा ठोक सकता है कि अरे इस शब्द में तो महिलाएं नहीं है, इसलिए अडल्फोई या ब्रदरन शब्द बहनों को सूचित नहीं करता है। परंतु यदि कोई ऐसे दावा करेंगे तो यदि वो व्यक्ति बाइबल विश्वासी हो तो अपना तर्क अपने लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। नया नियम में जितने भी जगहों में कलीसिया को निर्देश देते हुए वचन दिए हुए हैं, उन सभी जगहों में कलीसिया को भाइयों या अंग्रेजी में ब्रदरन करके ही संबोधित किए हुए हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। रोमी 16:17, 1 कुरिन्थी 2:1, 3:1, गलाती 1:11 आदि पढ़िएगा। यदि कोई दावा करता हो कि इन सभी पदों में या इसी प्रकार उपयोग किए गए अन्य पदों में जो भी वचन बताए गए हैं केवल कलीसिया के भाइयों को ही संबोधित किए हुए हैं, बहनों के लिए नहीं है, तो फिर उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि इन वचनों से कलीसिया के बहनों को कोई लेना देना नहीं है। क्या वह ऐसे बोल पाएंगे? यदि वो बाइबल पर विश्वास करने वाला हो तो ऐसी मूर्खता बोल नहीं पाएगा। याकूब की पत्री के बीते अध्यायों से गुजरते वक्त हम ये बात देख रहे थे कि याकूब उन बातों को समझा रहा था कि वास्तविक उद्धार एक व्यक्ति के जीवन से कैसे दिखाई देता या दिखाई देना चाहिए। याकूब समझा रहा था कि परीक्षा या प्रलोभन से मसीह विश्वासी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। सौभाग्यहीन अथवा गरीब भाई बहनों के प्रति धनी एवं सौभाग्यशाली विश्वासियों का मनोभाव क्या होना चाहिए। फिर हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, संसार के प्रति क्या मनोभाव होना चाहिए और अंत में धन के प्रति क्या मनोभाव होना चाहिए। अध्ययन करते समय आप सभी ये बात एहसास भी किए होंगे कि वर्तमान संसार में एक परिपक्व आत्मिक जीवन बिताना उतना आसान नहीं है, परंतु समाप्ति की ओर बढ़ते समय याकूब हमें ये सांत्वना का वचन दे रहा है कि हम कैसे एक परिपक्व मसीह जीवन इस दुष्ट संसार में बिता सकते हैं। उसके लिए हमें धीरज अथवा पेशेंस की अनिवार्यता। प्रभु दया करे तो निम्न धीरज के बारे में हम आने वाले दिनों में मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। अनंत जीवन का साधन है।